अगर दोस्तों आप भी राजस्थान के बिनमाल में स्थित सुन्ना माता मंदिर जाकर वहाँ पे दर्शन करना चाहते तो आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आप राजस्थान का जो सुन्ना माता मंदिर है वहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ पर घूमना है, आपको कहाँ पर रुकना है, आपको कहाँ पर खाना खाना है और इन सब का कितना खर्चा आता है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि जो सुन्ना माता जी का मंदिर है वो लगभग 900 वर्ष पुराना मंदिर है जो कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसे सुन्ना माता जी के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का जो जालौर शहर है उसके बिनमाल गांव के अंदर आया हुआ है, जहाँ पर आप जा सकते हैं, जो कि बिनमाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ऐसा मंदिर है जो पूरे राजस्थान के अंदर पहला जो रोपवे है वो सुन्ना माता जी का जो मंदिर है वहाँ पर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यदि यहाँ पर आप जाना चाहते तो आप कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ पे जो निकटतम हवाई अड्डा है वो है जोधपुर मिलता है। आप हवाई द्वारा के द्वारा जाना चाहते तो आप जोधपुर तक जा सकते हैं और जोधपुर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर, जो कि बिनमाल के अंदर आया हुआ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और यदि दोस्तों आप ट्रेन के द्वारा जाना चाहते हैं तो जो जालौर की जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी व्हीकल के द्वारा आप बिनमाल के सुन्ना माता मंदिर जा सकते हैं। और यदि दोस्तों आप अपने पर्सनल व्हीकल के द्वारा जाना चाहते हैं तो ये सिरोही से लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आप जा सकते हैं। और बस के द्वारा जाना चाहते हैं तो आप सिरोही जा सकते हैं या फिर बिनमाल जा सकते हैं, जो कि राजस्थान के अंदर आया हुआ है, और वहाँ से फिर आप किसी भी व्हीकल के द्वारा आप सुन्ना माता मंदिर जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कहाँ कहाँ पर घूमना है ये मैं बता लूँ कि सुन्ना माता मंदिर अभी आप जाना चाहते तो अभी ये खुला है, आप आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यदि आप घूमना चाहते तो यहाँ पे सुन्ना माता जी का मंदिर है और भैरव जी का मंदिर है और यहाँ पे जो रेत के टीले है वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं, वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो भी करना चाहते वो सब कुछ कर सकते हैं। साथ में यदि आप शॉपिंग करना चाहते तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप बोलो कि हम यहाँ पे कहाँ पर रुके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारी धर्मशाला मिल जाती है जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा छूट देना नहीं होता है, मैक्सिमम आपको 50 रुपये देना होता है एक नाइट का, और यहाँ पे अलग से आपको बिस्तर वगैरह मिल जाते हैं। फिर आप जिस धर्मशाला में रुकना चाहते हैं वहाँ पर रुक सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर ऐसा एक मंदिर यही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा धर्मशाला है, तो यहाँ पे रुकने के लिए दोस्तों आपको कई सारी सुविधाएं मिल जाती है, जो कि आप मंदिर जाएंगे तो यहाँ पे आप पूछताछ करके आप पता कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे रुकना है। और यदि दोस्तों आप होटल में रुकना चाहते तो आपको आसपास में या फिर मंदिर के नीचे आपको कई सारी होटलें मिल जाती है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे हमें खाना कहाँ पे खाना है, तो खाना खाने के लिए दोस्तों यहाँ पे सुन्ना माता जी की तरफ से कई सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, दो है, एक तो है ऊपर है एक नीचे है, यहाँ पे 10 रुपये देकर आप भर पेट खाना खा सकते हैं। और यदि आप होटल के अंदर खाना चाहते तो आपको नीचे कई सारी होटलें मिल जाती है और ऊपर भी कई सारी होटलें मिल जाती है, आप जहाँ भी खाना चाहते हैं वहाँ पर खा सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे घूमने के लिए सबसे मैं आपको बता लूँ कि सबसे अच्छा समय यहाँ पे बारिश का समय अच्छा रहता है, यहाँ पे आप झरने वगैरह देखना चाहते तो आप बारिश के समय आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम होता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे हर टाइम अच्छा मौसम रहता है, पर मेरा ये मानना है कि यदि आप बारिश के अंदर जाते थे तो यहाँ पे आपको झरने वगैरह दिखाई देते हैं, जिससे कि आपको और भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे दोस्तों घूमने के लिए और भी कई सारे मिल जाते हैं, पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा सुन्ना माता जी का जो मंदिर है वो दिखाया हुआ है, तो इसके लिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे घूमने का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, यदि आप सुन्ना माता मंदिर तक आ जाते हैं तो घूमने का खर्चा करीबन मेरा ये मानना है कि 200 रुपये तक आता है। उसके बाद दोस्तों यदि आप अलग से शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसका खर्चा अलग आता है, जो कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं और आप जहाँ से आते हैं वहाँ से कितना टिकट होता है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आते हैं। परंतु दोस्तों मेरा ये मानना है कि यदि आप बिनमाल तक आते तो आपका जो खर्चा है लगभग 200 रुपये ही हो जाता है, 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है।
तो इस प्रकार से दोस्तों बस आपको अब इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें मैंने आपको पूरा सुंदा माता जो मंदिर है वो पूरा बताया है, आपको दर्शन भी कराए हैं, साथ में आपको रेत के जो टिल्ले वो भी दिखाए हैं, साथ में यहाँ का जो मार्केट है वो भी दिखाया है, यहाँ की जो धर्मशाला है वो भी दिखाई है और यहाँ की जो भोजनशाला है वो भी दिखाई है। तो इसके लिए दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो थैंक यू, बी कंटिन्यू।